चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लेटरल डेविएशन हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं ग्लास स्लैब के थ्रू। ये रे ऑफ लाइट आई, इस पी क्यू इंटरफेस से इंसिडेंट हुई और उसके बाद से अंदर वाले मीडियम, अगला जो मीडियम है वो म्यू टू है और जहाँ से आ रही है वो म्यू वन है, यानी म्यू टू इज़ मोर डेंसर देन म्यू वन, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और फिर जो दूसरा इंटरफेस है इस ग्लास स्लैब का आर एस, इस पर इंसिडेंट होगी और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन यहाँ था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों जो सरफेस हैं इंटरफेस हैं ये पैरेलल हैं ग्लास स्लैब में। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दो जो सामने के जो इंटरफेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में डिफरेंट होता है, प्रिज्म में दो इंटरफेस जो होते हैं वो किसी एंगल पे बेंड होते हैं तभी वो प्रिज्म होते हैं, क्योंकि उनके दोनों इंटरफेस किसी एंगल पे यानी फाइनाइट एंगल मोर देन ज़ीरो डिग्री ठीक है पे बेंड होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। और ग्लास स्लैब में क्या होता है, दो इंटरफेस पैरेलल होते हैं तभी उन्हें जो है ग्लास स्लैब बोला जाता है। अच्छा, ये लाइट रे आई और इस पे इंसिडेंट हुई पहले इंटरफेस पे, फिर दूसरे इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दो यहाँ का और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब लाइट रे बाहर निकलेगी फिर से एयर में, मान लो म्यू वन एयर है, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस करेक्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होती है ग्लास स्लैब के केस में। ये जो सी डी है एक्चुअल पाथ ये था, ए बी जो लाइट रे आ रही है ना उसका ये पाथ एक्चुअल पाथ था, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती, डॉटेड लाइन से जो मैंने शो किया है सीधी लाइट रे निकल जाती। लेकिन एक्चुअल में अब जा किधर रही है, अब ये इधर जा रही है दोनों इंटरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद, यानी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन के बाद ये सी डी जो है इस लाइट रे का अब पाथ है, न्यू पाथ है और ये रियल पाथ था, एक्चुअल पाथ था। तो यानी कितना डेविएट हो गई, ये सी ई जो है ये डेविएशन है, इसको आप वाई से डिनोट कर दो। अब ज़रा देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है बी सी एन डैश, ट्रायंगल बी सी एन डैश, इसमें अगर आप यूज़ करो, अगर थिकनेस अगर ग्लास स्लैब की टी कंसिडर करो कि टी थिकनेस है तो ये बी एन डैश टी के इक्वल होगा, बी एन डैश इज इक्वल टू टी के इक्वल होगा करेक्ट है। तो कॉस आर अगर यूज़ किया जाए इस ट्राइंगल में कॉस आर, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी एन डैश अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा बी सी होगा, यानी बी सी इज इक्वल टू अगर इसको उधर भेजें इसको इधर भेजें तो बी एन डैश अपॉन कॉस आर, बी एन डैश की वैल्यू क्या थी टी अपॉन कॉस आर हो जाएगा, यानी बी सी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर हुआ, सही है इस ट्राइंगल में। देखो अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ठीक है, अब दूसरा हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी सी ई में, बी सी ई में देखो, बी सी ई में देखो क्या ये एंगल, अगर ये सामने वाला आई है तो ये पूरा आई होगा, ये भी आई होगा, और अगर ये पूरा आई है तो ये कितना होगा आई माइनस आर होगा, ये वाला ट्राइंगल इस ये वाला एंगल आई माइनस आर होगा, ये वाला अगर ये पूरा आई है ये इतना आर है तो ये आई माइनस आर ही तो होगा ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर 90 डिग्री, ये मैंने क्या किया सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस डॉटेड लाइन जो एक्चुअल पाथ था रे का उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो 90 डिग्री का सी ई परपेंडिकुलर है इस डॉटेड लाइन पे ठीक है, तो 90 डिग्री बन रहा है करेक्ट। अब इसमें आप यूज़ करो कौन सा साइन आई माइनस आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, ये सी ई परपेंडिकुलर होगा अपॉन हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस इस ट्राइंगल में बी सी होगा, तो अगर इसको उधर भेज दें इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू सी ई अपॉन साइन आई माइनस आर, सी ई की वैल्यू कितनी है सी ई की वैल्यू वाई है, वाई अपॉन साइन आई माइनस आर, और बी सी इस इक्वेशन से हमने इस ट्राइंगल से निकाला, बी सी उस ट्राइंगल से भी निकाला, दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये बी सी और ये बी सी, तो इक्वेट कर देते हैं क्या वाई अपॉन साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर,
और वाई को इधर रहने दो, ये साइन आई माइनस आर को उधर भेज दो, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये वाई क्या है, ये है लेटरल डेविएशन, लेटरल डेविएशन। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, यानी थिकनेस, थिकनेस ज्यादा होगी ग्लास स्लैब की तो डेविएशन, ये जो वाई की वैल्यू है ना वो ज्यादा होगी, यानी ये जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ था उससे ये ज्यादा डेविएट होके ज्यादा दूर से जाएगी। अब अगर थिकनेस ज्यादा होगी किसकी, ग्लास स्लैब की, मोटाई ज्यादा होगी तो ये लेटरल डेविएशन ज्यादा होगा। दूसरा, ये और किस पे डिपेंड करता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है, कितने एंगल से कोलाइडर इंसिडेंट हो रही है पहले इंटरफेस पे ग्लास स्लैब के, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा होगा तो भी y की वैल्यू यानी लेटरल डेविएशन ज़्यादा होगा। और तीसरा पॉइंट, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा पॉइंट, y इज प्रोपोर्शनल टू म्यू टू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये जितना ज़्यादा होगा ये y की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बोलोगे नहीं ना, क्या बताया, तीन पॉइंट तुमको एकदम दिमाग में बैठा लेना, क्या जो लेटरल डेविएशन है थिकनेस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ज़्यादा होगी ग्लास स्लैब की तो डेविएशन ज़्यादा होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये एक्चुअल पाथ और रियल पाथ में जो डिफरेंस जो वाई है ये डेविएशन ज़्यादा होगा। और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लेटर पहले इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही उसकी वैल्यू भी अगर ज़्यादा होगी तो भी डेविएशन ज़्यादा होगा। और तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी इन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की म्यू टू वन की वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा होगी ये डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। जैसे ग्लास और एयर, ये ग्लास है ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, लेकिन वाटर और एयर होता तो 1.3 होता है, तो ग्लास एयर में ये डेविएशन ज़्यादा होगा लेकिन वाटर एयर में ये डेविएशन कम होगा। याद रहेगा पॉइंट कि भूल जाओगे, चलो चाय पी लेते हैं जब तक नोट करो।